हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस स्टडी द फॉलोइंग टेबल दैट कंटेंस द नेम्स ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज़म्स दैट लिव इन एसोसिएशन विथ अदर आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसके बारे में आपको पढ़ना है जिसमें आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताए गए हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहते हैं ऑर्गेनिज्म कस्क्यूटा एंड होस्ट ट्री हु गेंस कस्क्यूटा हु लूजिस होस्ट्री, ट्री जो कस्क्यूटा नाम का ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट ट्री के साथ सिम्बायोसिस में यानि कि एसोसिएशन में रहता है ताकि वो उससे क्या पा सके न्यूट्रिएंट्स पा सकें और उसमें लूज कौन करता है गेन कौन करता है कस्क्यूटा प्लांट लूज़ कौन करता है होस ट्री ऑक्सपेकर ए काइंड ऑफ बर्ड एक बर्ड होता है एंड ड्राइनोसरोस ये भी एक दूसरे के साथ रिलेशन में यानी कि एसोसिएशन में रहते हैं ऑक्सपेकर गेट्स फूट एंड डाइनोसरोस गेट्स रेट ऑफ पैरासाइट्स जो ऑक्सपेकर होता है वो अपना खाना लेता है किस से उस डायनोसरोस से और जो राइनोसिरोस होता है वो पैरासाइट से दूर रहता है यानी कि इसमें दोनों को फ़ायदा होता है किसी को भी नुकसान नहीं होता और जो कस्क्यूटा प्लांट और होस्ट ट्री होता है उसमें सिर्फ कस्क्यूटा प्लांट को फ़ायदा होता है होस्ट ट्री को कोई फ़ायदा नहीं होता है अब लेट्स सी होता क्या है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप वो देखेंगे इन द फर्स्ट रिलेशनशिप द कस्क्यूटा प्लांट गेंस न्यूट्रेंट जो आपको फर्स्ट रिलेशनशिप दिया गया गया है कस्क्यूटा प्लान्ट होस्ट ट्री में उसमें कस्क्यूटा प्लांट गेन करता है न्यूट्रिएंट्स वेयर इज़ द होस्ट ट्री लूज एसेंशियल न्यूट्रिएंट लेकिन जो होस्ट ट्री होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स खो देता है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है वो लूज करता है बाकी कस्क्यूटा प्लांट्स वो न्यूट्रिएंट्स गेन करता है इट इज़ देअर फोर ए पैरासाइटिक रिलेशनशिप वेयर ओनली वन ऑर्गेनिज्म गेंस तो इसीलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं पैरासाइटिक रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है ऐसे रिलेशनशिप को हम पैरासाइटिक रिलेशनशिप बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक बंदे को क्या हो फायदा हो दूसरे को नुकसान हो फिर इन द सेकंड रिलेशनशिप द ऑक्सपेकर ईट्स टिक्स एंड अदर पैरासाइट्स देट लिव ऑन द स्किन ऑफ राइनोसरोस दूसरे रिलेशनशिप में जक्सपेकर बर्ड होता है वो जो राइनोसोर्स के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं उनको उठाता है और उनको खाता है जो किसके स्किन के ऊपर होता है राइनोसरोस के द रनोसिरोस ऑन द अदर हैंड गेट्स रिट ऑफ द पैरासाइट्स दूसरी तरफ जो राइनोसिरोस होता है उसको फ़ायदा होता है क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर कोई भी पैरासाइट नहीं रहता बहुत ऑर्गेनिजम्स आर दस म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर इसीलिए दोनों ऑर्गेनिजम्स को इसमें फायदा होता है बराबर का सच रिलेशनशिप्स वेयर टू ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर बाई शेयरिंग देयर रिसोर्सिस एंड शेल्टर आर नॉन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो एक तो रिसोर्स शेयर करके या शेल्टर शेयर करके ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है आप लोगों को लाइकन इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाइकन भी एक एग्ज़ाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ये किसके और किसके बीच में रिलेशनशिप होता है बिटवीन ए ग्रीन और ब्लू ग्रीन अलगा एंड ए फंगस एक ग्रीन या ब्लू कलर का अलगा होता है और फंगस के बीच में रिलेशनशिप होता है रिकॉल डेट इन अलगा इज़ एन ऑटोट्रॉफ एन ए फंगस इज़ ए सेप्रोफाइट आपने पहले पढ़ा है कि जो अलगा होता है वो ऑटोट्रोफ होता है ख़ुद अपना खाना बना सकता है और जो फंगस होता है वो सेप्रोफाइट होता है यानी कि जो डेट और डिकेइंग मेटर पर डिपेंड करता है द अलगा प्रिपेयर्स फूड विच इज़ यूज बाय द फंगस जो अलगा होता है वो ऑटोट्रॉफ है सो so वो ऑब्वियसली अपना खाना ख़ुद बनाएगा जो कौन यूज़ करता है फंगस यूज़ करता है द फंगस इन रिटर्न प्रोवाइड्स कंडीशन फ़ॉर द अलगा टू सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टर्म जो फंगस होता है वो बदले में क्या देता है वो कंडीशन प्रोवाइड करता है उस अलगा के लिए ताकि वो बहुत समय तक क्या कर सके सर्वाइव कर सकें फंगस आल्सो प्रोवाइड सटन मिनरल न्यूट्रेंस टू द अलगा जो फंगा होता है वो कुछ न्यूट्रिन भी प्रोवाइड करता है उस अलगा को इस लाइकन्स फंगाई एंड अलगी आर एबल टू लिव इन द इंडियन इन्वामेंट देट दे कुड नॉट लिव इन अदरवाइज लाइकन फंगाई और जो अलगी होता है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं देट दे कु नॉट लिव इन अदरवाइज जो एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है देयर आर सटन बैक्टीरिया विच लिव इन ह्यूमन बॉडी एंड इंटरन सेन्थिसाइज विटामिन के वैसे ऐसे ही हमारे बॉडी में भी जो ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं और वो बदले में हमें क्या देता है विटामिन के बना के देता है ये हो गया आपका हीट्रोटोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फिर आएगा आपका हम आज यहीं पे रखेंगे फिर हम कल इन रिचिंग द न्यूट्रिएंट्स इन दॉयल से फिर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे एक क्विक चेक है आप वो देख लेना फिर मैं कल आपको बताऊँगी ये ओके बच्चों थैंक यू